नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। एकलव्य एजुकेशनल अकादमी के प्रांगण में जिलाचंज प्रगति पथ के बैनर तले एडवोकेट संजय निषाद की अध्यक्षता में आयोजित मेघा निषाद छात्र व उनके अभिभावकों की उपस्थिति में जलांचल.com की उपलब्धियों एवं कार्यों पर भी चर्चा हुई, जिसके अंतर्गत प्रदेश के लगभग 70 जिलों के लोग, शिक्षित युवा वर्ग जुड़कर शिक्षा संबंधित लाभान्वित हो रहे हैं और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से फाउंडेशन कोर्स की पढ़ाई भी कर रहे हैं। तमाम तरह के जलांचल.com से कई शिक्षित युवा छात्र प्रदेश और देश के लोग ऑनलाइन पढ़ाई करके सरकारी नौकरियों में भागीदारी निभा रहे हैं तथा लाभान्वित हो रहे हैं। इसकी विविधता के बारे में लखनऊ से आए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उदयराज निषाद ने युवाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए कई तरीकों के उपाय बताए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उदयराज निषाद व विशिष्ट अतिथि हेमंत निषाद द्वारा गौरव निषाद, जिसने 95.5% मार्क्स पाकर निषाद समाज को गौरवान्वित करने का काम किया, तथा प्रेम सागर निषाद PhD शोध छात्र को 5,000 रुपये का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों संख्या में उपस्थित मेघा छात्र व उनके अभिभावक मुख्य अतिथि व उनकी टीम के विचारों को सुनकर काफ़ी गौरवान्वित, लाभान्वित व प्रेरित हुए। क्या कुछ कहा इस बाबत संत विजय निषाद ने, आपको सुनवाते हैं। ये जलांचल प्रगति पथ का क्या उद्देश्य है आप लोगों? जलांचल प्रगति पथ का उद्देश्य एकमात्र यह है, इसके अगुआ है हमारे श्री उदयराज निषाद जी, जो हम लोग के मान लीजिए सुप्रीमो है इस संगठन के, जो समाज हित में, निषाद समाज हित में काम कर रहा है। अधिकतर हालांकि सभी वर्गों के लिए यह काम कर रहा है यह संगठन हमारा, लेकिन जिसमें मान लीजिए इस समाज का रोल बहुत ज़्यादा है। हम लोग जितने भी दबे कुचले लोग हैं, चाहे निषाद समाज को या अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हों, जो जिसमें वह जो है जिनको मान लीजिए जिनके पास कोई यह नहीं सुविधा नहीं है कि वो आगे बढ़ सकें, उनको हम लोग वह सुविधा मुहैया करवाएंगे, को आगे बढ़ करके पढ़ाई लिखाई करें और सर्विस उनको अवेलेबल करवा सकें। मुख्य उद्देश्य यही है हमारी जो है कि